निगली स्पीकिंग के YouTube पेज पर मैं मीरा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बात करेंगे आज के बड़े मुद्दे की, जहाँ बैंगलोर की एक विशेष अदालत ने मल्लेश्वरम में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास 2013 में हुए बम विस्फोटक में उनकी भूमिका के लिए दो आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई, उसके साथ ही साथ उनको 50,000 रुपयों का जुर्माना भी लगाया। एनआईए अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश सीएम गंगाधर ने मामले के दो आरोपियों प्रकाश डैनियल और प्रतिबंधित संगठन अल उम्मा के जॉन नसीर के खिलाफ आदेश पारित किया। दरअसल अपराध स्वीकार करने के बाद उन्हें विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया और कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने आदेश दिया कि न्यायिक हिरासत से पहले काटे गए समय के अलावा शेष सजा काट ली जाए। 13 अप्रैल 2013 को आरोपी ने भाजपा कार्यालय को निशाना बनाकर एक बाइक पर आईईडी बम विस्फोटक कर दिया। इस घटना में 12 पुलिस अधिकारी और एक युवती समेत 6 लोग घायल हो गए थे। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।